दुवाली टाउन के सिनो लीग में आपका स्वागत है और तीसरे राउंड की शुरुआत के साथ सभी मुकाबले यहाँ मेन स्टेडियम में होंगे। इसके अलावा हर मुकाबले के बाद लड़ाई का मैदान बदल दिया जाएगा, तो तीसरे राउंड के पहले मुकाबले के लिए मैदान चट्टानों वाला होगा और हमारे लड़ने वाले ट्रेनर हैं बैरी और पॉल। एक जबरदस्त मुकाबला पेश करने को तैयार। वाव, बहुत मजा आने वाला है। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि दोनों कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। हाँ, मैं भी। तो वक्त आ गया है पोकेमोन चुनने का। ठीक है स्कार्बरी, जल्दी से बाहर आओ। मैगमोर्टर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। इन्होंने चुने हैं मैगमोर्टर और स्कार्मोरी। स्कार्मोरी एक आर्मर बर्ड पोकेमोन। इसका शरीर स्टील जैसे कवच से ढका होता है और ये प्रति घंटे 100 मील की रफ्तार से उड़ सकता है। बेशक, स्कार्मोरी स्टील टाइप है और मैगमोर्टर के सामने स्टील टाइप पोकेमोन कमजोर पड़ जाते हैं। तो तीसरे राउंड के तीन तीन मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। पहला हमला बैरी करेगा, शुरू करो। स्कार्मोरी स्पाइक अटैक। बैरी बिना रुके स्पाइक्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब जब भी पॉल पोकेमोन को बदलेगा तो वो कमजोर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पाइक्स का प्रभाव कम नहीं होगा। मैगमोर्टर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। नहीं, स्कार्मोरी अब लड़ नहीं सकता। मैगमोर्टर जीत गया। फायर टाइप मूव स्टील टाइप पोकेमोन के खिलाफ बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। एक ही अटैक में मुकाबले से बाहर। शुक्रिया स्कार्मोरी, तुम बढ़िया खेले। मैं जानता हूँ फायर टाइप वाटर टाइप के सामने कमजोर है, तो ठीक है एम्पोलियन, बाहर आ जाओ। हाइड्रो कैनन। बढ़िया हिट, उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। अब अगर पॉल अपना पोकेमोन बदलता है तो ऐसा करने के लिए उसे नुकसान भुगतना होगा। क्या पॉल अपना पोकेमोन नहीं बदलोगे? वापस आओ। रुक जाओ पॉल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और सभी लड़ाई के लिए बाहर आ जाओ। स्पाइक्स की वजह से अर्सुरिंग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा है तो मैं भी अपना पोकेमोन बदल रहा हूँ। वापस आओ। अर्सरिंग जैसा नॉर्मल टाइप फाइटिंग टाइप के खिलाफ कमजोर है। वाओ, बैरी अपने दूसरे पोकेमोन के साथ। हिटमॉनली इसके किंग पोकेमोन और टायरो का विकसित रूप। इसके पैर लंबाई में दुगने होते हैं। पहली बार इसकी अचानक रेंज देखकर विरोधी हैरान रह जाते हैं। बुलकप जाओ। अब अर्सरिंग की डिफेंस पावर बढ़ गई है, लेकिन बल्कप के बिना भी अर्सरिंग मजबूत था। दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। हिटमॉनली मेगा गैग। वो बहुत तेज है, हैमर आर्म इस्तेमाल करो। और अर्सरिंग का हैमर आर्म के साथ जवाबी हमला। वाओ, हिटमॉनली ने झांसा दिया। मैंने हिटमॉनली को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो अपनी स्पीड मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा सकता है। ऐसा क्या? स्लैश का बार बार इस्तेमाल करो। जल्दी करो, उससे बचो। क्लोज कॉम्बैट। हिटमॉनली अपने स्पीडी क्लोज कॉम्बैट से बढ़िया जवाब दे रहा है। दबोच लो। हैमर आर्म इस्तेमाल करो। मुझे तुम पर भरोसा है हिटमॉनली। ओके, हाई जंप केक। हिटमॉनली की हाई जंप किक बढ़िया काम कर गई। बैरी की ये स्ट्रेटजी कमाल की है। मानना पड़ेगा कि बैरी थर्ड राउंड में ऐसे ही नहीं आ गया है। फोकस ब्लास्ट। उससे बचाओ। हम आराम से उसे खत्म कर दो। हिटमॉनली, हम जीत के नजदीक है। प्लीज केक अटैक। हिटमॉनली की जबरदस्त ब्लेज किक अर्सरिंग को रोकने में कामयाब हुई और इसी के साथ अर्सरिंग ब्लेज किक से घायल हो चुका है। बहुत अच्छे बैरी, तुम जीतने ही वाले हो। इतनी आसानी से नहीं। हाँ? अर्सरिंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, जब उस पर फायर या आइस से हमला होता है तो उसकी अटैकिंग पावर और बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया हिटमॉनली, ब्लेज किक से खत्म करो।
हैमराम का इस्तेमाल करो। हिटमॉनली और अर्सरिंग के मूव्स कितने जबरदस्त थे। हिटमॉनली अब लड़ नहीं सकता, विजेता है अर्सरिंग। अर्सरिंग जीत गया और हैमराम ने अपनी काबिलियत, हिम्मत और मजबूती का फायदा उठाकर जीत पर मोहर लगा दी। तो अंदर लोगों को मजा आ रहा है। हाँ, वह स्टेडियम में जश्न चल रहा है और हम यहाँ अपना धीरज खो रहे हैं। मैं क्राउ। इस सब के लिए तुम खुद को दोष मत दो। हमारा मकसद है स्टेडियम से बाहर निकलने वाले लोगों को अपना माल बेचना। क्या तुम दोनों भूल गए? लेकिन हमारा माल कोई नहीं खरीद रहा। तो फिर हम माल बदल देंगे। बदल देंगे? ये पोकेमोन को बदलने जैसा है, क्योंकि हम सब की तरह बंस और टी शर्ट बेचेंगे। खुलकर समझाओगे? मेरा मतलब, हम सब अपने माल को ग्राहकों के अनोखे पसंद के हिसाब से बदल देंगे। एक और खतरा, इन दर्शकों को उसी क्वालिटी का पोकेमोन चाहिए जो उन्होंने मुकाबले में देखा था। हमें वही तो करना है। पर ऐसा करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, आगे आगे देखो होता है क्या। एम्पोलियन बैरी का आखिरी पोकेमोन है, जबकि पॉल के पास अब भी लड़ाई के लिए उसके 3 पोकेमोन हैं। बैरी को अब सोच समझ कर चलना होगा। ठीक है एम्पोलियन, बाहर आ जाओ। बैरी के लिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉल और अर्थरिंग इस लड़ाई को कभी भी जीत सकते हैं। अर्थरिंग जल्दी स्लैश अटैक। एम्पोलियन ड्रिल बैक। और फिर से 2 शक्तिशाली हमलों की टक्कर हुई। दोनों हार मानने को तैयार नहीं। अर्थरिंग फोकस ब्लास्ट। उसे वापस भेज दो। ये कैसे हुआ? क्यों, मजा आया ना? तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा दो। वापस आओ। पॉल फिर से अपना पोकेमोन बदलने वाला है। इलेक्ट्रीवायर, लड़ाई के लिए बाहर आओ। इलेक्ट्रोवायर एक थंडरबोल्ट पोकेमोन और इलेक्ट्रोबस का विकसित रूप। जब ये हमला करता है तब ये अपने विरोधी को उसकी दोनों पूंछ की नोक से धकेलता है। पॉल का इलेक्ट्रोबस इलेक्ट्रोवायर में विकसित हुआ है। इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स वाटर पोकेमोन को बहुत कमजोर बना देते हैं। मानना पड़ेगा पॉल बहुत सोच समझकर अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करता है। तो आप एम्पोलियन का इस्तेमाल करके बैरी लड़ाई कैसे करेगा? चाहे कोई भी पोकेमोन हो, इसका इस हमले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पोलियन हाइपर बीम। थंडर इस्तेमाल करो। फिर से 2 हमलों की जबरदस्त टक्कर। देखते हैं हार किसकी होती है। हाइपर बीम एक बहुत हेवी अटैक है। एम्पोलियन थक गया होगा। वक्त है थंडर पंच का। उसे चकमा दो। देखा, मेरे एम्पोलियन ने तुम्हारे पोकेमोन को कैसे चकमा दे दिया। इसे हराना इतना आसान नहीं है। थंडर पंच लगातार। बचाओ उसे एम्पोलियन, बचाओ। गीगा इंपैक्ट हमला। ये है एक शक्तिशाली हमला। तुम कर सकते हो एम्पोलियन। थंडर पंच हमला करो। चलो बचो उसे। वो उसे भारी नुकसान पहुंचा होगा। एम्पोलियन नहीं। एम्पोलियन बुरी तरह से जमीन पर गिर गया है, तो क्या वो हार मान लेगा? एम्पोलियन उठ जाओ, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। एम्पोलियन। क्या वो? क्या बात है, मैं भूल ही गया था एम्पोलियन की खासियत है टोरेंट। एम्पोलियन में एनर्जी जरूर कम है, लेकिन उसके वाटर टाइप अटैक शक्तिशाली हो गए हैं। हाइड्रो कैनन अटैक करो। वाह, ये तो बहुत ताकतवर है। अच्छा कर रहे हो। जल्दी इलेक्ट्रोवायर, उससे बचो। इलेक्ट्रोवायर ने प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करके एम्पोलियन के हाइड्रो कैनन से खुद को बचा लिया। यकीन नहीं हो रहा वो हाइड्रो कैनन से कैसे बच गया। थंडर का इस्तेमाल करो। अब बचो।
एम्पोलियन अब लड़ नहीं सकता। विजेता है पॉल वेस्टोन सिटी से। पॉल ने बैरी के खिलाफ यह मुकाबला 3-0 से जीता है और यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा। एम्पोलियन तुम बढ़िया खेले, अब अच्छे से आराम करना। पॉल जीत गया। दोस्तों हेड लेडी ने हमारी मदद कर दी, उसने हमारा बाल खुशी खुशी बदल दिया। तो जल्दी से इसे उतारो क्योंकि आखिरी मुकाबला भी खत्म हुआ है और हमारा नया माल खरीदने के लिए कस्टमर की लाइन लग जाएगी। दोस्तों अब जरा ध्यान दीजिए, ये वो आकर्षक पोकेमोन मॉडल है जिन्होंने आज मुकाबले में बहादुरी दिखाई। भूखे हो तो इलेक्ट्रोवायर बार खाओ और अपनी भूख मिटाओ। पता है हमारे पास और भी कुछ है, एम्पोलियन इन अ ट्यूब, लकड़ी पर बना सुंदर छोटा असरिंग और उसे भी मजबूत जोड़ का हिटमोनली हेलमेट। कुछ भी कुछ चाहिए, कस्टमर्स को उनकी मनपसंद चीजें बेचने का आइडिया काम कर गया। हम आज पूरा माल बेच के रहेंगे और बहुत से दिवाली पर बोनस लेंगे। पॉल मैं हार गया लेकिन मैंने कोशिश की, इसलिए सच्चे दिल से कहता हूँ कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये एक जबरदस्त मुकाबला था। तुम्हें लगता है? वाह बढ़िया है, तो क्यों ना फिर मुकाबला करें ये देखने के लिए कि बेस्ट ट्रेनर कौन है। जरूर करेंगे। ऐश ऐसा लगता है पॉल के साथ मुकाबला करके मेरा जोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। पता है पॉल के साथ मुकाबला करके सबको ऐसा लगता है। तुम्हारा और पॉल का मुकाबला देखने में मजा आएगा और तुम्हारे उस मुकाबले के लिए मैं तुम दोनों को सपोर्ट करने आ जाऊंगा। थैंक्स। लेकिन उससे पहले तुम्हें राउंड 3 को पार करना।